guys, so we are here with another golden millets recipe. ये हमने बॉईल करने के लिए रखा है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बार्नयार्ड मिलेट नूडल जो होता है बहुत ही सटल और बहुत ही अमेजिंग होता है। इसका कलर आप साइड में देख सकते हैं। लेट्स ओपन दिस। लेट्स पुट आवर नूडल्स इनटू आवर बाउल। अब हम इसके अंदर ये पूरा आप देख सकते हो, ये हैंड कट है, इट्स नॉट मशीन कट एंड इट्स नॉट फ्राइड एज वेल। ये हमारे नूडल्स दे आर रेडी। लुक एट दैट, ओह माय गॉड, कितना ही कितने खिले खिले हुए हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं और ये रेडी हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। बहुत ही छोटा छोटा कैबेज को प्रोसेस कर दिया है। लेट्स स्टार्ट विद सम ऑयल। इसके बाद हमने थोड़ा सा ये प्याज कटी हुई प्याज ली है। ये हमारा कैबेज है, हम कैबेज डालेंगे। इसकी खुशबू आने लगी है, बहुत ही अमेजिंग। थोड़ी सी अपनी स्प्रिंग ऑनियन अभी डालेंगे एंड थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। पेपर्स डाल देते हैं। हमारे पास गाजर है, हम थोड़ा सा ग्रेटेड गाजर लेंगे और उसको इसमें डालेंगे।
से इसके अंदर हम चिली डालेंगे। ये बहुत ही फाइन चॉप हमने डाली है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा कॉर्न और थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च भी इसमें डालेंगे। हम इसमें मटर नहीं डालेंगे क्योंकि ये चाइनीज क्यूजीन है। उसी के अंदर हम अपना टोफू जो है वो भी इसमें बीच में ही डालेंगे। और जो हमने बचाई हुई स्प्रिंग ऑनियन थी वो भी हम सेंटर में यहाँ पे डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि पहले हम सेंटर में थोड़ा सा इसको सॉटे कर सकें सो दैट अब हमारे इसके अंदर नूडल्स हम ऐड करेंगे। Thank you.